नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले रतलाम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार सुबह उज्जैन आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। इस्तीफा एक दिन पहले 9 अप्रैल को पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेज दिया था, जो कि बुधवार सुबह सोशल मीडिया पर इस्तीफे का लेटर वायरल हुआ। बता दें, पीसीसी चीफ को सौंपे गए अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि 75 साल तक बेदाग ईमानदारी से पार्टी की सेवा की है, किंतु प्रदेश कांग्रेस के द्वारा लगातार असहयोग एवं जिला संगठन को महत्व नहीं मिलने, पार्टी के वफादार लोगों की जरूरत नहीं होने से प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिले में ठेका पद्धति से कांग्रेस चलाने की नीति के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की खबर किसी को नहीं दी। बुधवार सुबह गुपचुप तरीके से उज्जैन पहुंचे। यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद अनिल फिरोजिया, रतलाम भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजपा नेता प्रवीण सोनी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की। इनके साथ आईटी सेल प्रमुख शुभम पाटीदार ने भी भाजपा ज्वाइन की है। 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया था। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आए थे। पूरे समय कैलाश पटेल मंच पर मौजूद थे। पटवारी के भाषण के समय पटेल उनके पीछे ही खड़े थे। मोबाइल पर भाजपा ज्वाइन करने वाले पूर्व कांग्रेस नेता कैलाश पटेल ने कहा कि कांग्रेस अपनी दिशा से भटक गई है। प्रदेश अध्यक्ष छिछोरापन में कांग्रेस चला रहे हैं, काम करने वालों का कोई मूल्यांकन नहीं है, कुछ पूछ परख नहीं रखते हैं। वहीं विधानसभा में काम किया है, हर विधानसभा में ठेकेदार बना दिए।